कॉमर्स सबसे अच्छा है। ऐसे कैसे? साइंस सबसे अच्छा है, कॉमर्स। साइंस अच्छा है, कॉमर्स वाले ना ऐसे ही घूमते हैं धक्के खाते हुए। क्या मतलब है कॉमर्स वाले ऐसे ही घूमते हैं? और क्या, तुमको पता है सीए तुमसे होगा नहीं, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। जैसे तुमसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। होता है ना, इंजीनियर्स कहाँ से बनते हैं? साइंस से। डॉक्टर्स कैसे बनते हैं? साइंस से। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? वो भी साइंस से। और इन सबका बाप मुकेश अंबानी, वो कहाँ से आते हैं? बिजनेस से। जाओ, दोनों ही अच्छे हैं, साइंस भी और कॉमर्स भी। आप अपना फेवरेट स्ट्रीम कॉमर्स की जरूर बताना, तब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो। मेरे घर में ना सबने साइंस लिया है, तो मैं भी साइंस ही लूंगी और डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाऊंगी। बट तुम बायो लेगी या मैथ? यार, ये आरडी शर्मा के चक्कर में ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कुछ भी सोचने का, पता नहीं अभी तो। सच में यार, मैथ्स का नाम सुनते ही ना चक्कर आ जाते हैं। अब ये बता, ये न्यूटन है या नीटन? इसके लॉस पढ़ते पढ़ते ना मेरा ही लॉस हो जाना है। छोड़ यार, टेंशन हो रही है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, बेल का भी टाइम हो गया। चल चलते हैं ना, ये सब पार्क में डिसाइड कर लेंगे। ओके, लेट्स गो। बेटा टेंशन मत लो, साइंस लो। सबके घर में एक डॉक्टर होता है ना, हमारे घर में तुम बनोगी। और सोचो, अगर तुम डॉक्टर बन गई तो समाज में, खानदान में तुम्हारी मम्मी पापा का नाम कितना रोशन होगा। मम्मी, आपका नाम रोशन करने के चक्कर में ना मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगी। सारी रात बैठ के ना मुझे सेल्स याद करना पड़ता है। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे पापा ने ना बायो के साथ मैथ्स भी लिया था, तो तेरे को भी ना दोनों लेना पड़ेगा। क्या? हाँ बेटा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी। कैसे होगा मम्मी इतने सारे सब्जेक्ट? 24 घंटे होते हैं दिन में, फोन कम चलाएगी ना तो सब हो जाएगा। यार, ये कॉमर्स तो ले लिया, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हाँ यार, 10 से पहले तो बिजनेस का बी भी नहीं सुना था मैंने। द ओनली बिजनेस आई नो कि मेरी मम्मी राशन से पैसे बचाती है और सुनार के यहाँ जाके कुछ चीजें ले लेती हैं। एक जगह से सेव करो, दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, अगर पैसे ना बचे तो पापा की पॉकेट से चुरा लो। तेरी मम्मी चोर है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी भी ना ऐसे ही करती है। पर भाई, ये इकोनॉमिक्स क्यों ही ले लिया हमने कॉमर्स? हाँ यार, बट साइंस नहीं ले सकते थे क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा, और आर्ट्स नहीं ले सकते थे क्योंकि रिश्तेदारों में बेइज्जती हो जाती, तो कॉमर्स ना हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे यार? अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स। ओह नहीं, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। और वैसे भी कॉमर्स के साथ मैथ्स या कॉमर्स के बिना मैथ्स? कॉमर्स रहेगी तो कॉमर्स ही ना। चल भाई, बिजनेस की क्लास है। अबे ओ, ये क्या कर रही है तू? अब से यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सर्किट। ओ मेंटल लड़की, ये मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं है, एक्चुअल सर्किट है। करंट लग जाएगा तुझे। चल प्रैक्टिकल करते, लेट हो रहा है। यार इस बार कलर आना चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। बात तो सही है, पर तूने HCl डाला? ये ले डाल। दिखाओ दिखाओ सर से। अरे वाह, तुमको मिलेंगे 10 marks। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आउट ऑफ 100। क्यों सर? क्यों? क्या बनाया ये? सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला था, सरबत बना दिया। निकलो बाहर, जाओ।
ओए, तुम दोनों ने बिजनेस का असाइनमेंट किया क्या? नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा तो हो गया। तो हमें देना? हमें देना यार। नहीं यार, मैंने ना अपने बॉयफ्रेंड को दिया हुआ है एक्चुअली। ओए, असाइनमेंट चाहिए? हाँ, हमें चाहिए। दो। 500 पर असाइनमेंट, ओके? पर हम कैसे मान ले कि जो तू असाइनमेंट दे रहा है वो सही है? मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ उस मैम पे, ओके? और लास्ट ईयर जितने भी बच्चों को मैंने ये असाइनमेंट दिए ना, सारे पास हुए हैं। हमें भी दिखाना यार प्लीज। हाँ, मैं भी दो फिर। ऐसे कैसे? 500 पर असाइनमेंट। सुन, जैसा मैं बोलूंगी वैसा कर। उसको ना बस बात में उलझा ना, बाकी सब मैं देखूंगी। ओके डन। बाय द वे, असाइनमेंट्स तो चलते रहेंगे। कल 3 बजे कॉफी डेट पर चले क्या? मेरा मेरा ना रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। नोट्स प्लीज। अबे तेरे पास पैसे कहां से आए? अबे इसी के जेब से निकाल के इसी को दे दिया। अरे आंटी, हमने साइंस स्ट्रीम लिया है ना, अब सारे सब्जेक्ट में डाउट होता है तो सब कुछ कैरी कर लिया, और वैसे भी आज तो फर्स्ट ईयर स्कूल है, जल्दी से वरना लेट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर। बाय आंटी। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओपन योर फिजिक्स बुक। एक्सक्यूज मी मिस, एक्चुअली मुझे ना थोड़े से डाउट्स है फिजिक्स में, तो क्या हम आफ्टर क्लास डिस्कस कर सकते हैं क्या? व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम, माय नेम इज सपना। सो सपना, व्हाट्स द डाउट? मैम, जो गैप था ना बीच में, आई वाज स्टडीइंग दैट टाइम, तो उसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, सोचा कि आज क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट डे ऑफ क्लास। वाओ, परफेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए एक साइंस स्टूडेंट। थैंक यू मैम। अब कॉमर्स ले ली, अब मेरी बिजनेस क्लास टिकट का सपना पूरा। अबे ओ, पहले डेबिट और क्रेडिट तो सीख ले, फिर हवा में उड़ना। अरे वो सब तो होता रहेगा, मेरी जान तो चल। अबे ये तेरा बंदा है ना, इसने मैं कॉमर्स ली है। अरे यार, हर चीज को फॉलो करता रहता है, यहाँ भी आ गया। आपका पीरियड ना खत्म हो गया है, अभी हमारा चालू हो गया है, तो हम आ जाए क्लास में। एक्चुअली मैम, नेक्स्ट मंथ बच्चों का पेपर भी है और मेरा कोर्स ना इनकम्प्लीट है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि यार मैं कंप्लीट करा लूं उसे। सर, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज, वो एक्चुअली सर का ना ज्यादा ही सिलेबस बचा हुआ है, आपका तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वी कैन मैनेज ना एक दिन तो। हाँ, तुम कहने के चाहते हो लड़की, हाँ हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? कोई बात नहीं, तुम यही पढ़ लो, यही पढ़ो तुम, हम भी देखते हैं कैसे तुम हिंदी में पास हो गए। हाँ, पढ़ो तुम लोग, सब पढ़ो। पता नहीं क्या। जी, देख लिया सर ने, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है? सबको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और हाँ, तुम्हारी हिंदी वाली मैम गुस्सा हो गई चली गई है, तुम लोगों को पता है ना हिंदी में पास होना बहुत जरूरी है। सर आप टेंशन मत लो, वो हम संभाल लेंगे। ओके, मैनेज कर लेंगे। मैम, ये आपके। थैंक यू। हमारे लिए बताओ, कल को क्या बना के लाए हम तुम्हारे लिए खाने में? वही लाएंगे, तुमको भूल दिया है। तुझे क्या हुआ? सर क्या ही हुआ होगा, गया होगा फिर से उस
साइंस वाले के पीछे कटवा के आया है बेचारा। अब साइंस वालों पर आते ही क्या है काटने के अलावा। हाँ सर, बॉडी तो काटते ही है साथ में लड़कों का भी। अरे यार ऐसे मत बोलो, बेचारा सैड है। स्टडी पे फोकस करना है यू नो। वो एक्चुअली अकाउंट्स की एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कैन यू प्लीज कम एंड हेल्प मी। यस मैम, सर तो फ्री है और वैसे भी एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, अभी सब पढ़ के क्या करेंगे हम कॉमर्स वाले। यस सर यू गो, आई विल मैनेज द क्लास मैम। हाँ मैम हम हैंडल तो कर ही लेंगे सर, आप जाओ जाओ। ओके सर। ये साइंस वाले बच्चे क्यों नहीं आए आज? हाँ सर वो कल भी नहीं आए थे पता नहीं क्यों। सर एक्चुअली हमें ना आपको कुछ इन्फॉर्म करना है। वो हमें ना स्टडीज का बहुत प्रेशर है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता गेम्स के लिए, सो हमें ना ये टूर्नामेंट से अपना नेम कट कराना है। यस सर। यस सर प्लीज। सॉरी सर, वी आर रियली सॉरी, मे बी नेक्स्ट टर्म में हम कर लेंगे। यस सर पक्का। बेटा अभी तो दो ही दिन बचे हैं बस टूर्नामेंट के, इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगा? वी नो सर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे एग्जाम्स में भी सर बस एक ही वीक है तो हम ये नहीं कर सकते। सर हमने तो पहले कही थी एंड साइंस वालों को मत लो, शो ऑफ के अलावा आते ही क्या इन्हें, बस शो ऑफ करेंगे पढ़ाई के नाम पे। एक्सक्यूज मी, हमारे ना खुद के गोल्स है, हम क्रेडिट डेबिट करके खेलते नहीं है। ओह हेलो, हमारे बिना ना तुम्हारा अकाउंट कौन संभालेगा? आई बड़े डेबिट क्रेडिट बोलने वाले। और मैं भी देखती हूँ बिना डॉक्टर के तुम कैसे जिंदा रह लेते हो। हम ना डॉक्टर के बिना रह लेंगे क्योंकि हम हेल्दी खाना खाएंगे। एब्सोल्युटली। क्या बात है यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रैक्टिस करो, तुम जाओ क्लास में। और सर इस बार तो हम टूर्नामेंट जीत के ही रहेंगे। हम उन साइंस स्टूडेंट्स की तरह नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई सब कुछ हो, हमारे स्कूल की रेपुटेशन भी कुछ है। यस सर इस बार डिस्टिंक्शन लेके आएंगे, डिस्टिंक्शन। चलो बस टॉप तो हम ही करेंगे। मैंने तो भी स्टार्ट ही किया है, मुझे टाइम लगेगा, तू जाके खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। क्या तू पागल है? तुमने अभी स्टार्ट किया है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है हमारा, पता है ना तुझे? फेल हो गई ना पूरे करियर की। ओ हेलो, इस सिलेबस को तो ना मैं बात कर रही हूँ, जो सिलेबस है ना मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो नीट की भी बहुत ज्यादा टेंशन होगी ना, उस टाइम पे उसको भी टाइम देना पड़ेगा, तो बस फिर मैं ना इसको कम्प्लीट कर रही हूँ। अभी तो थोड़ा सा लगेगा मुझे अभी। हाँ यार सही है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। हाँ हाँ तू भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, सोच अगर नीट क्लियर नहीं हुआ ना तो हमारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। सही बोल रही यार, मुझे भी दिखा। मैं अभी पढ़ लेती हूँ। दिखा कहाँ से लिए बुक? ये ना मेरे भैया की है, वो कजन वाले भैया, 2 साल पुरानी है तो मैंने उनसे ले ली थी पढ़ने के लिए। सही यार मुझे भी दे दिया था ना एक दिन। मैं ना नेक्स्ट पीरियड अकाउंट के कैंटीन जा रही हूँ राहुल के साथ, तू प्लीज संभाल लियो ना बिचो। तू पागल हो गया क्या? एग्जाम्स आने वाले हैं, अब तू पढ़ ले, आज तो वैसे भी इम्पोर्टेंट नोट्स लिख पाएंगे क्लास में। अरे यार तुझे पता नहीं है मैं लास्ट डे पढ़ने वाली लड़की हूँ, और मैं अगर 1-2 दिन पहले भी पढ़ लेती हूँ ना तो सब दिमाग से निकल जाता है यार। तेरा दिमाग ना पागल हो गया, तूने सोचा आगे क्या करना है, लाइफ के क्या प्लान्स हैं? सुन हम कॉमर्स वालों का बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले CS की तैयारी करूँगी, अगर वो नहीं हुआ तो BCom या BBA कर लूँगी, और अगर वो भी नहीं हुआ तो अपना खुद का बिजनेस तो है ही,
अगर मेरा बिजनेस भी नहीं चला तो फिर क्या हुआ सपना, कितने परसेंट जाए? यार मेरे ना बस 85% आए हैं। मुझे नीट की प्रिपरेशन के लिए आकाश इंस्टीट्यूट में जाना था। मम्मी ने बोला था अगर 90% से ज्यादा आएंगे तभी वहाँ पे भेजेगी, अब मुझे कोटा जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, कोटा भी अच्छी जगह है। अब मेरा नीट कैसे होगा यार? कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, तेरा नीट हो जाएगा। मैं आती हूँ। क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? तेरे तो अच्छे मार्क्स आए होंगे ना? यार मुझे बीएससी के टॉप कॉलेज हंसराज में जाना था, लेकिन उसके लिए मिनिमम 99% चाहिए और मेरे तो सिर्फ 98% आए। अरे तू रो मत ना यार, तुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे रोते नहीं है। और वैसे भी दुनिया में सिर्फ एक ही कॉलेज थोड़े बीएससी का अच्छा, तुझे मिल जाएगा। तू हंसराज में ही जाना था। अच्छा तू रो मत, देखते हैं कुछ, ठीक है? ओए, मुझे तो बताया नहीं तेरे मार्क्स कितने आए। मेरे भी कुछ खास नहीं आए हैं। फिर भी बता तो कितने आए हैं। मेरे 99.9% आए हैं, वो 0.1% ना सर ने हैंड राइटिंग की वजह से काट दिया। भाई तेरी मैथ पास हो गई, 61% आए हैं। अब मैं करूंगी BBA, उसके बाद MBA, उसके बाद बिजनेस। भाई तेरी बहन भी पास हो गई, 71% आया है, पर मुझे क्या, मैंने तो मास कॉम में करनी है। अब तेरे कितने आए हैं? 51% आए हैं। अबे तो क्या हुआ, तुझे पता है 51 में भी आराम से बीकॉम मिल जाता है, उसके बाद बैंकिंग कर लियो। बैंकिंग कर सकती हूँ क्या मैं? हाँ हाँ, और अगर वो भी नहीं हुआ तो अपन लोग अपना मोमोज का ठेला खोलेंगे ना। हाँ भाई, मैंने तो बहुत देखा है कि वड़ा पाव कितनी वायरल हो गई है, लाखों में कमा रही है महीने का। अनायसा वड़ा पाव? अरे वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव नहीं तो ऑलरेडी है, मोमोज वाले बने। अनायसा मोमोज। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको प्रेरणा याद है क्या, लास्ट वीडियो में आई थी वो? ऑफ कोर्स याद होगी यार। उस वीडियो का नाम कमेंट कर देना, और आल्सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। भूल गए भाई, भूल गए, भूल गए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। चाय भाई, चाय हो गई, पर आवाज नहीं निकल रही है मुझे। गला खराब है।